अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। मैं हूं गुलनाज, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल गुलनाज फैमिली व्लॉग। हाँ जी तो व्यूवर्स, क्या हाल चाल है? उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। हाँ जी तो व्यूवर्स, कैसे गुजरे हैं आप लोगों के दिन? तो व्यूवर्स, यहाँ पर जी ये मेरा व्लॉग था सेंटोरस मॉल का, और आज हम गए थे यहाँ पर शॉपिंग करने और वैसे घूमने फिरने भी गए थे। तो व्यूवर्स, यहाँ पर जी असफंद जैसे इंटर हुआ है ना, और हर तरफ़ देख के इतना हैरान और खुश हो गया है ना, जिसकी कोई इंतहा नहीं है। हाँ जी तो व्यूअर्स, यहाँ पे असफन जो है कैंडीज ले रहा था, और यहाँ वाले जो अंकल थे तो उसके पास कोई कस्टमर नहीं था फ़िलहाल, तो वो रिलैक्स करके सो रहे थे। तो असफन जैसे ही गया तो वो उठा है, और उसने असफन यहाँ पर पसंद कर रहा था कि मुझे कौन सी कैंडीज लेनी है। हाँ जी व्यूअर्स, यहाँ पे जी असफन ने कैंडीज वगैरह ले ली थी, और उसके बाद जी हम आ गए थे। ये थी क्या जे डॉट वालों की, तो उनकी ये शॉप थी, शॉप नहीं थी बल्कि जैसे आप लोगों सब लोग गए हुए हैं सेंटोरस मॉल, तो वहाँ पे शॉप्स के बाहर जो स्टॉल वगैरह लगे हुए होते हैं, लेकिन वो नॉर्मल मार्केट के स्टॉल नहीं होते, वो ब्रांड्स के स्टॉल होते हैं, और उनसे मेकअप वगैरह जो है ना वो परचेज़ किया जाता है। तो वहाँ से जी बीबी क्रीम वगैरह लेनी थी, और क्या लेना था, ऐसे कोई थोड़ा बहुत मेकअप लेना था, तो वहाँ से वो चेक कर रहे थे। वैसे हम तो अपने सिटी में वैसे जाकर कहते हैं फलां चीज़ दे दें तो बीबी दे दें, या फेस पाउडर होता है, या स्टिक वगैरह जो होती है, नॉर्मल चीज़ें। इतना ज़्यादा मेकअप का मैं नहीं जानती, क्योंकि मुझे ज़्यादा मैं ना यूज़ करती हूँ, और ना मेरे पास है और ना मुझे पता चलता है। तो जो ये ब्रांड्स के मेकअप वगैरह होते हैं ना, उनकी बीबी वगैरह, तो वो हमारे स्किन टोन के मुताबिक ही हमें देते हैं। सबसे पहले वो हमारे स्किन पर चेक करवाते हैं कि कौन सा शेड हमारे साथ मैच हो रहा है, हमारे स्किन के लिए परफेक्ट है। तो वहाँ से जी फिर वो, हाँ जी तो व्यूअर्स, जो वाला जो शेड होता है ना हमारे स्किन टोन के साथ मैच करता है ना, तो फिर वहाँ से वो मतलब हमें लेना चाहिए, और लेना भी ऐसा मेकअप चाहिए जो आप लोगों की स्किन टोन के साथ मैच करे। तो इसलिए हाँ जी तो व्यूअर्स, यहाँ पे जी हम आ गए थे आउटलेट पे, और यहाँ पे ये थी आई थिंक सफ़ायर की आउटलेट थी। तो यहाँ पे जी वैसे ज़्यादातर आउटलेट में जो थी ना सेल्स लगी हुई थी, और सेल जो है ना वो लॉन पे लगी हुई थी। और आप लोगों को पता है कि फ़िलहाल जब हम इस्लामाबाद गए थे तो तब तो सीज़न था लॉन का, मतलब थोड़ा बहुत सीज़न ऑफ होने वाला था, तो ज़्यादातर जो है ना खद्दर की वैरायटी और गर्म वैरायटी थी यहाँ पे। तो वहाँ से जी एक दो जो ड्रेस है ना वो लॉन का लिया है, वो मेरी छोटी सिस्टर ने लिया है, वो प्रेट में लिया है, जैसे पसंद आ गए हैं उसे। तो ज़्यादातर जो है यहाँ पे आ गए थे आउटफिटर पे, और यहाँ पे बच्चों के कपड़े वगैरह लेने थे, शर्ट्स वगैरह, तो यहाँ से असफंद के कपड़े लिए हैं। तो व्यूअर्स, आप लोगों से मैं शेयर करती हूँ आगे। तो ये देखें जी, ये असफंद की शर्ट्स लिए हैं। असफंद बहुत ज़्यादा खुश था और भाग रहा था, कभी इधर जा रहा था कभी उधर जा रहा था। तो यहाँ पे जी वो ली थी असफंद की शर्ट्स वगैरह ली थी, और मैंने फातिमा के कपड़े भी आउटफिटर से लिए थे। फातिमा की जो शर्ट थी वो मैंने बीट्री से ली थी, और जो नीचे ट्राउज़र पैंट्स थी वो मैंने आउटफिटर से ली थी। और आउटफिटर पे अच्छी खासी सेल लगी हुई थी, इसलिए वहाँ से हमें जो कपड़े हैं काफ़ी रिजनेबल प्राइस में मिल गए हैं। और फातिमा की जो शर्ट थी वो भी बीट्री से मैंने ली है, वो सर्दियों वाली शर्ट थी,
और बीच ट्री पे भी काफ़ी ज़्यादा सेल लगी हुई थी। हम जब गए थे तो सीज़न ऑफ था, गर्मियाँ जा रही थी और सर्दियाँ आ रही थी। अब तो जब ये ब्लॉग अपलोड हो रहा है तो माशाल्लाह से काफ़ी सारी मौसम में फ़र्क पड़ गया है, सर्दी हो गई है। तो जब हम इस्लामाबाद गए थे तो तब तो सीज़न ऑफ था, मतलब लॉन चल रही थी लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं चल रही थी। हर ब्रांड्स पे जो है ना लॉन पे सेल लगी हुई थी, और वैसे भी जो ज़्यादातर गर्म सूट थे उन पे भी सेल वगैरह लगी हुई थी। आप लोगों को पता तो है ब्रांड्स में जो कपड़ा आता है तो बस 10-15 दिन के बाद उस पे, चाहे वो सीज़न हो या ऑफ सीज़न हो, तो वो सेल पे लगा देते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आउटलेट्स पे जो थी ना सेल। तो हाँ जी, तो व्यूअर्स काफ़ी ज़्यादा मतलब थक गए थे हम लोग, और सुबह नाश्ता किया था। तो उसके बाद हम आए थे 4th फ्लोर पे, और जहाँ पे जी था फूड एरिया। हम फूड एरिया में आ गए थे तो हमें कोई समझ नहीं आई कि क्या लें। मैं और मेरी सिस्टर छोटी जो थी वो नीचे रह गई थी, और असवंद और प्रिया और मेरा जो कज़न था हमारे साथ वो ऊपर आ गए थे, क्योंकि असवंद को बहुत ज़्यादा भूख लगी थी। असवंद कहता था कि मैंने खाना खाना है। तो हम यहाँ पे जब आए हैं तो उन लोगों ने पहले ऑर्डर दे दिया था हार्डिस का, और यहाँ पे हार्डिस से बर्गर, कोल्ड ड्रिंक्स। हाँ जी, तो व्यूअर्स यहाँ पे हार्डिस के बर्गर वगैरह मंगवाए थे और चिप्स वगैरह साथ थे, और काफ़ी अच्छे बर्गर थे, टेस्ट काफ़ी मज़ेदार किस्म का था। तो व्यूअर्स वो ना वहाँ पे मैं भूल गई थी, यहाँ पे ना फिट मी की फिर ना जो थी बीबी थी वो हम लोगों ने ली थी, और जी बी ट्री से, आउटफिटर से, खाड़ी से और अलकरम से शॉपिंग की थी। और यहाँ पे जी ये खाड़ी की आउटलेट है, यहाँ पे यहाँ से भी काफ़ी ज़्यादा कपड़े लिए थे, मतलब शर्ट्स वगैरह ली थी। और इसके अलावा बाकी जो शॉपिंग वगैरह है उसके लिए एक अलहदा से व्लॉग घर जाकर बनाया था, तो वो सारी शॉपिंग आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग्स में दिखाएंगे। और यहाँ पे जी ये सारी मशीन्स थी, ये थी मसाज करने वाली जो मशीनें होती हैं ना, यहाँ पे वो एक साइड पे सेल कर रहे थे, मतलब न्यू थी जो कि वो अगर कोई लेना चाहे तो वहाँ पे ये सेल हो रही थी। और उसके अलावा जो दूसरी साइड पे थी वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मशीनें थी, उन लोगों ने रखी हुई थी वहाँ पे, मतलब जैसा कि लोग यहाँ पे शॉपिंग करते हैं, और उसके बाद बाज़ औक़ात लोग बल्कि काफ़ी तादाद में यहाँ पे, तो हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं है लेकिन यहाँ पे फिर लोग मसाज करवाते हैं। मसाज करवाने का मतलब ये है कि यहाँ पर कोई वो ख़ुद मसाज नहीं करते, यहाँ पर मशीनें फिट होती हैं और वहाँ पे इंसान आराम से जाकर बंदा लेट जाए, और फिर वो ना मतलब इलेक्ट्रिसिटी से, बिजली से ना वो फिर मसाज करती हैं, ऐसे लगता है जैसे कोई दबा रहा है आप लोगों को। हाँ जी, तो व्यूअर्स यहाँ पे ये क्या है, जूस है ये आइसलैंड वालों का, और काफ़ी मतलब इतना अच्छा नहीं था, ये ना बिल्कुल खट्टे थे जैसे कोई लेमन हो इनमें, लेकिन बस हमें इतना अच्छा नहीं लगा इनका टेस्ट। काफ़ी वैसे तो दिखने में बड़े ही खूबसूरत थे, और क्या ही बात थी इनकी। वैसे ये 700 का एक था, 1400 के दो थे, तो मेरे ख्याल में मुझे जैसे याद आता है, अब शायद इससे कम भी हुआ, मुझे सही से याद नहीं है, लेकिन इनकी प्राइस बहुत हाई थी। और यहाँ पे जो चीज़ें थी खाने पीने की वो प्राइस में भी काफ़ी बाहर की निस्बत अंदर जो है ना यहाँ पे काफ़ी हाई प्राइस में चीज़ें होती हैं, और क्योंकि आप लोगों को पता है शॉपिंग मॉल्स में हर चीज़ काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है नॉर्मल चीज़ों से। हाँ जी, तो व्यूअर्स बाकी तो छोड़े, असफंद ने काफ़ी ज़्यादा इंजॉय किया है और असवंत को बहुत मज़ा आया। असवंत ने शॉपिंग की है, खाने खाए हैं यहाँ से, और आइसलैंड के जूस पिए नहीं हैं बल्कि ऐसे ख़राब किए हैं, बस इसे ना लेने का शौक होता है, चीज़ें खाता नहीं है इतनी। हाँ जी, तो व्यूअर्स वो मैं आपको एक बात बताऊं, वैसे तो हर ब्रांड से हम लोग शॉपिंग वगैरह करते हैं, सेल्स जब होती हैं तब भी करते हैं, नॉर्मल भी करते हैं, तो आप लोगों को पता है उनकी प्राइस इतनी ज़्यादा हाई नहीं होती। वहाँ पर ये जी एक ब्रांड था, मेरे ख्याल में सीके था, तो वहाँ पर ना सेल लगी हुई थी, तो हम लोगों ने कहा है चलो बैग वगैरह ना यहाँ पे चेक करते हैं और शूज़ वगैरह। जैसे हम वहाँ पे इंटर हुए काफ़ी बैग्स हमें वहाँ पे पसंद आए और शूज़ वगैरह, और वो ना सेल पे भी 65,000 के थे, तो आप लोग सोचें वो कितने एक्सपेंसिव होंगे। तो हम वहाँ पे अंदर गए तो प्राइस देख के बस एक किस्म का एक मिनी हार्ट अटैक आता था, मिनी नहीं बल्कि बड़ा ही हार्ट अटैक आता है। अब 65,000 के शूज़ जो हम पहने तो फ़ायदा इतनी फजूल खर्ची का। तो वहाँ पे सब चीज़ें बड़ी प्यारी थी, खूबसूरत थी, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थी, और हम इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ें अफोर्ड नहीं करते। अब हम कहें कि हमने वहाँ से शॉपिंग की है, ये कि बिल्कुल नहीं की। हम लोगों ने अलकरम से, बी ट्री से, आउटफिटर से, खाड़ी से, सफ़ायर से,
और जलबरी से इन ब्रांड्स से जो थी ना शॉपिंग वगैरह की थी, कपड़े वगैरह लेने थे भाभी के, सबके अपने लेने थे, तो वो चीज़ें इंशाल्लाह घर जाकर हम लोग आप लोगों से शेयर करेंगे सारी शॉपिंग आराम से। लेकिन वहाँ से हम लोगों ने कुछ नहीं ली थी। हाँ जी, तो व्यूअर्स यहाँ पे जी एक साइड पे फ्रेश फ्लावर थे और बड़े खूबसूरत किस्म के थे, तो जैसे आप लोगों को पता है कि मतलब फ्रेश फ्लावर जो होते हैं बड़े प्यारे लगते हैं, लेकिन ये भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थे। सिंडोरस मॉल में जो है ना हर चीज़ बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थी, और बाहर की नस्बत जो फ्लावर जो बंदा 3-4 हज़ार का ले फिर फ़ायदा, तो बड़े खूबसूरत लग रहे थे। और वो देखें जी मेरे पीछे असवंत के काम चेक करें आप, आराम से यहाँ पे एंजॉय कर रहा है, नीचे देख रहा है फ्लोर्स को। और सबसे ज़्यादा एंजॉय वैसे तो हम सब लोगों ने एंजॉय किया था, लेकिन असवंत ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया था। तो व्यूअर्स जिसको मेरा व्लॉग अच्छा लगा है वो जल्दी से मेरे व्लॉग को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छे अच्छे कमेंट्स किया करें और व्लॉग को फुल वॉच किया करें। तो व्यूअर्स इसके अलावा आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, इंशाल्लाह मिलेंगे एक न्यू व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।